खरगोन जिले के महेश्वर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण कोरोना योद्धा अंजूठी गर्भवती नर्स से अपने कोख में पल रहे मासूम बच्चे को खोया नर्स का हुआ गर्भपात। कुलसुम खान ने बताया कि मेरे द्वारा मेरे स्टाफ और अन्य लोगों को अवगत कराया गया था, मैं 2 महीने की गर्भवती हूँ, मेरी ड्यूटी नहीं लगाई जाए। उसके बाद भी ई सलमा शाह और BMO विमल वंदावड़े द्वारा कोरोना योद्धा गर्भवती महिला को ड्यूटी करने को कहा गया और ड्यूटी नहीं करने पर डराया भी गया। वहीं 8 अगस्त को महेश्वर और मंडलेश्वर दौरे पर आई भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के आने पर ऑन ड्यूटी गर्भवती नर्स कुलसुम खान की हैवी ड्यूटी हेलीपैड पर लगाई गई और उसी दिन तकलीफ बढ़ने पर महिला नर्स का गर्भपात हो गया। कोरोना योद्धा ऑन ड्यूटी गर्भवती कुलसुम खान द्वारा स्वास्थ्य विभाग के BMO विमल वंदावड़े और BE सलमा शाह को अपने कोख में पल रहे मासूम बच्चे की जान का जिम्मेदार बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपने मासूम बच्चे की चली गई जान के लिए न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आई। कुलसुम खान द्वारा कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया गया और महेश्वर थाने पर आवेदन भी दिया गया। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं भी पॉइजन खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी, जिसके जवाबदार यही लोग होंगे। आपका नाम? मैं कुलसुम हुसैन, CSC महेश्वर से बोली स्टाफ नर्स। मेरी BMO और सती देसावरे के द्वारा ड्यूटी लगाई गई, जिसके कारण से मेरा गर्भपात हो गया। मेरी कोरोना काल में भी ड्यूटी लगाई गई, मैं ANC महिला थी तब भी मेरी ड्यूटी लगाई गई। इन्होंने मेरे बच्चे को गिरा दिया और 8 तारीख को इन्होंने मेरी हेलीपैड में भी ड्यूटी लगाई है भी गई, जिसके कारण से मेरा गर्भपात हो गया। ये मेरा बच्चा मुझे ला के दे सकते हैं क्या? मेरा बच्चा मुझे मैंने खो दिया है। सतीश देसावरे विमल वंदावड़े ने मेरा बच्चे को गिरा दिया। मैं इतनी घबराहट हो रही थी, मेरे को बेचैनी सी हो रही थी। मैंने इनको बोला भी कि मेरी ड्यूटी मत लगाओ, प्लीज मेरी ड्यूटी मत लगाओ। इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, जिसके कारण से मेरा गर्भपात हो गया। क्या ये मेरे बच्चे को लौटा सकते हैं? मैं इसकी गुहार शिवराज सिंह चौहान से लगाऊंगी, ताकि वो मामा है वो मामा इंसाफ दिलाएगा भांजी को कि मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए, मेरा बच्चा मुझे ला के दे सकते है क्या? ये सलमान साहब मेरे को मेरा बच्चा ला के दे सकती है क्या? ये भी मन बंदा है, मेरा बच्चा मुझे ला के दे सकता है क्या? सर आपका नाम? डॉक्टर विमल वंदावड़। सर स्वास्थ्य विभाग की महिला नर्स कर्मचारी जो कि प्रेग्नेंट महिला थी और ऑन ड्यूटी उनका गर्भपात हुआ, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के ऊपर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑन ड्यूटी गर्भपात नहीं हुआ गलत। सर 8 तारीख को भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आई थी, वहाँ हेलीपैड पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। उनका आरोप है कि उस दिन ड्यूटी के समय मैं खड़े रही पूरे दिन और उसी दिन मेरा गर्भपात हुआ है। नहीं, ऑन ड्यूटी पे खड़े नहीं रही, बैठे हुए थे, उनके साथ पूरी टीम थी और पूरी टीम ने वापस कराया कि वो आराम से कुर्सी पे बैठे हुए थे और ऑन ड्यूटी पे गर्भपात नहीं हुआ। सर गर्भवती महिला को ड्यूटी पर लगाना शासन के आदेशानुसार है? नहीं, रूटीन ड्यूटी के अंदर आया था वो भाई, पहले से ऐसा था ना कि भाई गर्भवती और रूटीन ड्यूटी में ड्यूटी लगी। सर महिला कर्मचारी द्वारा बताया गया था कि उनको सूचना दी गई थी सलमा शाह और दूसरों को कि मैं गर्भवती हूँ, मेरी ड्यूटी ना लगाई जाए, उसके बाद भी उनकी ड्यूटी लगाई गई। आपके साइन है कागज़ के ऊपर, आदेश के ऊपर? नहीं, साइन है, रूटीन ड्यूटी में आता है वो, भाई ड्यूटी कहाँ लगाए वो बता देते हैं मेरे को, कहाँ ड्यूटी लगाना ड्यूटी तो पहले नहीं करना। सर महिला कर्मचारी का कहना है कि मेरा जो बच्चा मरा है उसका जिम्मेदार कौन? अब इसके लिए मैं क्या बता सकता? सर वो तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मेरा बच्चा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कारण गर्भपात हुआ है, मेरा मेरी ऑन ड्यूटी में गर्भपात हुआ है। मुख्यमंत्री उमा भारती आई थी 8 तारीख को, उस दिन गर्भपात नहीं हुआ उनका। यदि ऐसा होता तो वहाँ डॉक्टर मौजूद थे, उनको बता दें कोई इमरजेंसी हो तो।